बलधारी योधा बलधारी और हो गई पैज समुद्र पैवारी योधा मेरा परिचय सुनो और हनुमान जी कह रहे पहले हमारी बात सुनो। अच्छा बताओ बताओ तुम अपना परिचय दो, कौन हो तुम, क्या हो। तो हनुमान जी बड़े प्रेम से बताने लगे, गदाधारी अर्जुन से कहने लगे, सुनो गांडीवधारी अर्जुन से कहने लगे हनुमान जी सुनो, और भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई बड़े व्याकुल चारों तरफ ढूंढ रहे, हे गग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नहीं। नहीं अर्जुन कहने लगे तो तुमने क्या करो सो तो बताओ, तुम बोकोरे में बड़ाई मार रहे हो, अरे क्या किया तुमने सो बताओ। हनुमान जी बोले सुनो तो सही, सीता हुई और हमने देखो लंका में गए, भगवान श्री राम ने हमको कहा कि जाओ पता करके आओ, शेत समुद्र बनाया है, नल नील अंगद सबको लेकर और मैंने लंका में गए, सीता जी का पता लगाया और पुल बना के रावण का राम जी ने वध किया और माता जानकी को लेके आए। हमने राम जी की सहायता करी, हम राम के भक्त हैं, माता जानकी को लेके आए और कुन और हमारी मैया को नाम है अंजनी। उसी समय गांडीवधारी अर्जुन कहने लगे सुनो है बंदरी के बच्चे, तुम्हारी मैया का नाम अंजनी और तुम कह रहे पुल बनाया, खामे खाए बड़ाई मार रहे हो, तुमने कहा अकेले पुल बनाए हो, सुनो अगर उस समय मैं होता तो क्या करता। बोले तुम क्या करते सो बताओ। गांडीवधारी अर्जुन कहने लगे सुनो, अरे तुमने तो सबके संग बांधो और हम यदि उस समय होते तो अकेले बाणों के द्वारा पुल बना देते, समझ गए को रही पढ़ाई मार रहे। और सुनो कर देते, समझ गए बाणों के द्वारा पुल भी बना देते। और सुनो तुम्हारी मैया का नाम है अंजनी और मेरी मैया को नाम सुनो। गदाधारी कहने लगे सुनाओ गांडीवधारी क्या तुम्हारी माँ का नाम। बोले सुनो
चलो कोई बात ना, एक बात छोड़ो, हमने जानकी को पता लगाओ, फूल हमने ना बनाओ, कोई बात ना, तुम बना देते। और हमने एक काम और भी किया है, गांडी उधारी अर्जुन, एक काम और भी किया हमने। अर्जुन कहने लगे कौन सा किया बताओ जरा। सो हनुमान जी कहने लगे सुनो, हाहाकार मची है, लक्ष्मण के शक्ति लगी, भगवान श्री राम रो रहे। आहा, लक्ष्मण भैया को कुछ हो गया तो मैं लौट के अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा, मैं माँ को क्या जवाब दूंगा। तो उस समय किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी, तो अर्जुन बोले तुमने क्या किया। हनुमान जी बोले सुनो, रातों ही रात पूरा पर्वत ही उठा लाए, समझ रहे। अच्छा बड़ी तबला लक्ष्मण के शक्ति लगी, हम बूटी लेके आए और लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। अर्जुन कहने लगे सुनो ठीक है, तुमने ये किया है तो एक बात सुनो, कोई बहुत बड़ो पहाड़ ना उठायो, हाँ बड़ाई इतनी कर रहे हो, हमने क्या किया है सुनो। तो उसी समय हनुमान जी बोले अच्छा तुमने क्या किया बताओ जरा। तो अर्जुन कहने लगे सुनो, अरे कंधार में लाए सौ सुट जाई और मिट्टी को हाथी को दबाई, बोली अर्जुन कहने लगे सुना, कंधारन मैया के सौ पुत्र थे और जब पूजन हुआ तो मिट्टी का हाथी बनवाया है, और जब मेरी मैया कुंती ने हमसे आदेश किया, मेरी मैया कुंती ने जब हमको कहा तो हमने क्या किया सुनो गदाधारी। जैसे इतना कहा उसी समय
गांडीवधारी अर्जुन से हनुमान जी कहने लगे, सुनो तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो और हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं। अब हसिया दूर ना पड़ोसी की नाग। अच्छा देखो बाबा जी कह रहे हसिया दूर ना पड़ोसी की नाग। आहा, उसी समय हनुमान जी कहने लगे, सुनो देखो कब किया था, तुमने किया होगा तुम जानो, और हमने किया हमारी भी छोड़ो। अब दोनों जन सामने ही है, दो दो हाथ हो जाते हो वही पता चल ले कि कौन बलधारी है। तो उसी समय अर्जुन कहने लगे, अच्छा इतना बोल रहे हो, बोले ठीक है हो जाने दो। अर्जुन कहने लगे, तो सुनो अगर तुम्हारे अंदर बल है और शक्ति है, मैं समुद्र का पुल बना रहे हैं और तुम्हारे अंदर शक्ति है तो तोड़ के दिखाओ हनुमान जी, तोड़ के दिखाओ। हनुमान जी बोले बनाओ। सज्जनों जैसे ही अर्जुन ने धनुष लिया हाथ में और जैसे ही बाणों को छोड़ा है, आहा पुल बन के तैयार। अब अर्जुन तो बहुत सीना ताने खड़े, ओए बंदरी के बच्चे अगर ताकत है तो जरा तोड़ के दिखाओ। हनुमान जी बोले चिंता मत करो। और जैसे ही हनुमान जी चले और कहते ही प्रभु नाम को सुमिर के राम जी को हृदय में बसा के त्रिलोकों का भजन लेके अपने शरीर में, और जैसे ही हनुमान जी पुल पे चढ़े और जो ही दचका दिया तो पुल धसने लगा। जैसे ही हनुमान जी चढ़े पुल पे तो पुल धसने लगा। कन्हैया समझ गए आखिर अर्जुन हमारा भक्त है, इसका अपमान हो जाएगा। अब अर्जुन की पिंडलियां कांप गई भैया, और जैसे ही पुल धसा तो भगवान कछुआ बन गए और नीचे पुल के बैठ गए और पुल को वहीं थाम लिया। ध्यान देंगे, जैसे ही पुल को थामा अब हनुमान जी कूद रहे हैं और पुल तो धसे। अर्जुन भी समझ गए कि बहुत बड़ा बलशाली वीर है, बड़ा ब्रह्मचारी है, बलधारी वीर है। अर्जुन की पैसे नहीं जाती पर द्वारिकाधीश धन्य है, अपने भक्त की कैसे रक्षा करते हैं। भगवान जब कछुआ बन के आ गए, आहा अब तो पुल रुका है। भगवान जब हनुमान जी बार बार उस पुल पे कूदते हैं ना त्रिलोकी का भजन लेकर, और जब कूदते हैं ना तो भगवान जो नीचे दबे है ना, आज भगवान के मुंह से भी रक्त निकल गया। क्या बात है, धन्य ऐसा भक्त।
भगवान के मुंह से जैसे रक्त निकला है, हनुमान जी ने देखा तो सोचने लगे हमें जे लग रही का जीव की हत्या हो गई। और उसी समय क्या हुआ है, भक्त नाराज है, बाजी लगी है। हाँ, भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप बनाया और एकदम से हनुमान जी के सामने आ गए और अर्जुन के सामने, दोनों ही भक्तों के सामने खड़े हो गए। बोले अब पेश नहीं जाएगी। भगवान भी कभी कभी भक्त से हार मान जाते हैं। चतुर्भुज रूप रखा और दोनों भक्तों के सामने आए और हनुमान जी चुप खड़े। और अब अर्जुन ने देखा कि भगवान सामने खड़े, दोनों ने प्रणाम किया भगवान को और भगवान कन्हैया ने राम रूप में अर्जुन को दर्शन दे रहे हैं और कृष्ण रूप यानी हनुमान को दर्शन दे रहे हैं और कृष्ण रूप में अर्जुन को दर्शन दे रहे हैं और दोनों भक्तों को अपने हृदय से लगाया और भगवान कहने लगे तुम दोनों ही हमारे हो। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश और उनके नयन गंभीर हैं इनके चपल विशेष। हम कोई अलग नहीं है, है अर्जुन तुम दोनों ही आपस में मेरे ही भक्त हो, काहे झगड़ा कर रहे। हनुमान जी बोले महाराज जे फूल लेने आए और चोरी चोरी सीना जोरी अपने मत मांगते हम दस बोरा दे देते हैं और जे तो झगड़ा कर रहे ऊपर से अपमान लड़ भी रहे। बोले अगर झगड़ा करके लेंगे तो एक फूल भी ना देंगे, ध्यान रखना। उसी समय भगवान कन्हैया ने दोनों को शांत किया। कभी भगवान किसी का अहंकार नहीं रखता है, भगवान ने अहंकार चूर कर दिया अर्जुन का भी। अर्जुन समझ गए कि हमसे भी बड़ा कोई और बलधारी है, कोई ब्रह्मचारी है। इसलिए कभी भी जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का भोजन क्या है, अहंकार। इसलिए अहंकार किया तो मारे जाओगे बंधुओं, ध्यान रखना। Thank you.
समझा दिया अर्जुन को। और एक बात और बताएं, महाभारत के समय ये दीक्षा बहन की तरफ से माला का सम्मान है।